नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक दिग्गज पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज है उनमें से जो नंबर वन पोजीशन में है वो है अदानी ग्रुप का पावर, अदानी अदानी पावर। तो मतलब अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन, ये दोनों कंपनी नंबर वन एंड टू पोजीशन में आते हैं। उसके बाद इंडिया के जो गवर्नमेंट कंपनी है सबसे बड़ा वो है पावर ग्रिड। उसके बाद जिस कंपनी का नाम आते हैं वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी का हिस्सेदारी भी ज़्यादातर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास ही है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप चैनल को सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, शायद वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस कंपनी मतलब इस चैनल बहुत फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के आज के दिन चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार एक रैली बहुत दिनों के बाद 5% तक जाम, 5% तक उछाल, बहुत दिनों के बाद 5% तक जाम देखने को मिला। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है, वो रीजन के बारे में यहाँ पे जरूर बात करूंगा। तो एक बार में एक कंपनी के पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखाई, तो देखिए 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में करीबन करीबन 4 दिन में कंपनी का हालत क्या था। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था आप देखेंगे तो करीबन करीबन देखा जाए तो साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। उसके बाद तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो कंपनी एक रैली की तरह भागा। और यहाँ पे जो टॉप टॉप किया, यहाँ पे जो टॉप किया आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से कंपनी ने अच्छा खासा एक रैली दिखाया। और यहाँ पे जबरदस्त एक बाइंग देखने को मिला। तो एक जबरदस्त बाइंग के पीछे कौन सा वो कारण है, देखिए ये नहीं कि कंपनी मतलब यही रैली कुछ न्यूज नहीं आया और रैली हो गया, इस तरीके से कुछ बात नहीं होते हैं। तो कोई भी स्टॉक में रैली हो रहा है मतलब उस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी जरूर होगा। तो वो कौन सा पॉजिटिविटी है और कौन सा नेगेटिविटी है उसके बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स आप चेकआउट करिए, तभी आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो कंपनी के 1 माह के चार्ट पर रिपोर्ट कर दो तो 1 माह में भी कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया करीबन करीबन 8% तक। और आप देखेंगे तो 6 माह के चार्ट पर रिपोर्ट कर दो तो 6 माह में उतना खास प्रॉफिट नहीं दिया, फिर भी कंपनी आपको लॉसेस भी नहीं दिया। और 1 माह के चार्ट पर, सॉरी 1 साल के चार्ट पर रिपोर्ट कर दो तो 31% तक रिटर्न दिया। और 5 साल के बारे में बात करूँ तो 5 साल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 125% का, तो बहुत दिनों में आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक कंपनी आपको कुछ रिटर्न और कुछ यहाँ पे प्रॉफिट आपको नहीं दिया। तो जिस तरीके से प्रॉफिट और रिटर्न देना चाहिए था उस तरीके से प्रॉफिट रिटर्न नहीं दिया। और एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी तक चल रहा है, तो बहुत दिनों तक एक ही लेवल में कंपनी काम कर रहा है, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और एक अच्छा खासा तेजी देखने को नहीं मिला। इसके पीछे देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी खराब है, कंपनी जबरदस्त है और लार्ज कैप कंपनी है, 1,38,000 करोड़ से भी ज्यादा, कितना बड़ा कंपनी है बोल सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी देखिए स्टार्टिंग हुआ था 1975 से, करीबन करीबन अराउंड आप देखेंगे तो 55 ईयर्स कंपनी हो चुके हैं, 55 ईयर्स प्लस। तो इतना बड़ा और इतना पुराना कंपनी है तो अच्छा खासा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में आपको रैली देखना है तो आपको बहुत पेशेंस का जरूरत होगा, मतलब बहुत पेशेंस का जरूरत होगा। और पेशेंस के बाद भी आपको रैली मिलेगा, इस तरीके से कुछ नजरिया तो मुझे तो नहीं देखने को मिला। हाँ कुछ कुछ गुने चुने मतलब कंपनी है जो अच्छा खासा तेजी देखने को मिला और अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है। तो इस कंपनी का आज के दिन का जो यहाँ पे जो जम देखने को मिला, यहाँ पे जो जबरदस्त जम देखने को मिला, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। तो लॉजिक कौन सा है, चलो वो लॉजिक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो लॉजिक एक्चुअली देखा जाए तो एनटीपीसी जो है इसके ऊपर एक गुड न्यूज यहाँ पे आ चुकी है, तो कौन सा वो गुड न्यूज है चलो वो भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी जो ग्रुप है, तो एनटीपीसी ग्रुप ने क्या किया, तो एनटीपीसी ग्रुप्स पावर आउटपुट ऑफ 14.6% टू 360 बिलियन यूनिट इन 2021-2022। मतलब कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इस फाइनेंशियल ईयर में। आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल मतलब जो पिछले
पिछले साल था, पिछले जो सेशन था उस सेशन का रिपोर्ट हमेशा एक अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो अपडेट्स है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली 360 अराउंड देखा जाए तो 360% का, सॉरी 360 बिलियन यूनिट का यहाँ पे टोटली देखा जाए तो आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक आउटपुट कंपनी ने दिया। तो उसी के बारे में चलो बात कर लेते हैं। एनटीपीसी का जो पावर सेगमेंट है, जो पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट ओनर्ड पावर जायंट एनटीपीसी अलोंग विद इट्स जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज क्लोकिंग हाईएस्ट एवर एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन 360 बिलियन यूनिट। तो 2021 एंड 2022 तो इस सेशन में करीबन 360 बिलियन का टोटल यूनिट्स यहाँ पे बना है। मतलब कंपनी जबरदस्त यहाँ पे काम किया, तो इस कारण से ही इस स्टॉक में उछाल देखने को मिला, क्योंकि इस रिपोर्ट से यहाँ पे आपके सामने ही है। तो और अच्छा खासा रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी ने रजिस्टरिंग जो है वो एक ग्रोथ ऑफ 14.6% कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस से कंपैरिजन करें तो 14.6% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने किया है, और अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन किया। और आज 1 अप्रैल है, तो हमेशा हर मंथ खत्म होने के बाद और हर साल खत्म होने के बाद मतलब एक पीरियड आते हैं, जिस पीरियड जिस टाइम में कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ उसके बारे में हमेशा जानकारी यहाँ पे मिलते हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा जानकारी यहाँ पे दिया, और कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है उसी के बारे में एक अंदाजा भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो देखिए द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्रोडक्शन सॉरी पावर प्रोड्यूसर ऑल्सो रिकॉर्डेड द मैक्सिमम सिंगल डे। यहाँ पे देखिए सिंगल डे जनरेशन 1215 मेगा यूनिट, तो कितना बड़ा एक दिन में ही यूनिट कंपनी मतलब तैयार करते हैं और कितना बेचते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो और एक चीज, एनटीपीसी जो है वो इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन कंपनी है, और वो भी देखिए डिलीवर्ड फोनोमेनल पर्सन यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस विद द हाईएस्ट एवर एनुअल ग्रोथ। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी मेंटेन किया, और साल भर में कंपनी का रिपोर्ट हर साल के एंड होने के बाद रिपोर्ट आ जाता है। तो रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है 360 बिलियन यूनिट यहाँ पे कंपनी बनाए हैं इस साल में, करीबन 14.6% का तेजी। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। इस तरीके से अगर ग्रोथ होते रहे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में इस टाइप कंपनी में अच्छा खासा जान आ जाएगा, तो अच्छा खासा आपको मतलब प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। मगर इस कंपनी में आपको प्रॉफिट क्या दिया वो तो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियो है, मतलब परसेंटेज रिटर्न है, देखा जाए तो कंपनी आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ एक साल में ही रिटर्न अच्छा खासा दिया, बाकी देखिए अब सालों में कुछ कुछ नहीं रिटर्न है। और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए मैं कोई खराब नहीं कहूंगा, जबरदस्त यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है वो शानदार है। तो इतना शानदार प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी का क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं जो बात आपको बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी का ग्रोथ उतना का ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज, कंपनी देखिए आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दे सकते हैं, देखिए एक्स्ट्रा जो बेनिफिट इस कंपनी के ऊपर मिलेगा वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड कंपनी देखिए भर भर के आपको डिविडेंड देते रहते हैं। 2020 एंड 2021 तक कंपनी आपको 4-5 बार तक डिविडेंड दिया, 2022 में भी कंपनी एक बार डिविडेंड दिया, और रिसेंट फेब्रुवरी मंथ में ही आपको डिविडेंड दिया। मैं इसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना के दिया था। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट का जो नजरिया है मतलब जो रिजल्ट है कंपनी का, जो परफॉर्मेंस है, हर हर पॉजिटिविटी होने के बाद भी कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब रिटर्न नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ कंपनी आपको ऑब्वियसली देखिए इन्वेस्टर जो है अच्छा खासा माल उठा रखा, यहाँ पे 30% इन्वेस्टर निवेश करके रखा, वो भी डीएस। इसका मतलब आप मत समझिए कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन किया, मगर जो इंस्टीट्यूशन किया वो गवर्नमेंट कंपनी है, कौन LIC। इसके ऊपर मैं बार बार बोलता हूँ कि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी का रहेगा, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कितना 10.5% से भी ज्यादा। तो वो खुद अकेला ही इतना परसेंटेज या इस कंपनी के ऊपर माल उठा कर रखा, तो बाकी इंस्टीट्यूशन तो ऑब्वियसली माल उठाएगा ही, तो छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया बाकी इंस्टीट्यूशन ने, तो अभी इस कंपनी ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया। तो क्या हाल ही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी लार्ज कैप है, और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड फ्यूचर में पॉजिटिविटी जरूर ले आएगा।
तो मगर एक चीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है मेरे खुद के ओपिनियन से कि कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी थर्मल पावर के ऊपर ज्यादातर काम करता है। थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट है, आप एक चीज आपको मैं जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ कि थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट है वो कोयला से चलते हैं, मतलब कोयला को जलाकर उसको मतलब वाटर को स्टीमिंग करके इस तरीके से पावर जनरेट किया जाता है। तो कोयला का जो जो अभी तक संकट है, तो फ्यूचर में भी उतना ज्यादा संकट रहेगा। साथ ही साथ कोयला बहुत ज्यादा कार्बन मतलब छोड़ते हैं ऑल ओवर मतलब इस क्लाइमेट में, तो इसको गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके टोटली बंद कर देगा क्योंकि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के ऊपर ज्यादातर काम होगा। तो मुझे लगता है एनटीपीसी सिर्फ इस पावर प्लांट के ऊपर काम नहीं करते, वो सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी जी के ऊपर भी अच्छा खासा काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वो खुद का बिजनेस मतलब डाइवर्ट कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस ऑब्वियसली रखना ही चाहिए क्योंकि इस तरीके से बिजनेस अगर कोई कंपनी डाइवर्ट करता है पहले से ही, मान ऑब्वियसली सोच लेना वो कंपनी पहले से ही एक अच्छा खासा सेफ्टी जोन में जाना चाहता है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर सेफ्टी जोन जरूर मिलेगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट कंपनी है, ज़्यादा निवेश करने से पहले दो बार सोच लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।